मित्रों, सपने मन की एक विशेष अवस्था होते हैं जिसमें वास्तविकता का आभास होता है। आप सभी ने अपने जीवन में अनेक प्रकार के सपने देखे होंगे जिनका स्वप्न शास्त्र के अनुसार अपना एक अलग ही महत्व होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो कि शुभ संकेत देते हैं, वहीं कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो अशुभ घटना का संकेत देते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ऐसे ही 5 सपनों के बारे में जानेंगे जिसको देखने के पश्चात व्यक्ति बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है। जैसे सपने में सांप देखना, सपने में संभोग करना, सपने में ईश्वर के दर्शन करना, सपने में ऊंचाई से गिरना या सपने में किसी की मृत्यु देखना। स्वप्न शास्त्रों में इन सभी सपनों का विशेष महत्व बताया गया है। आपने अपने जीवन काल में इन सपनों को एक ना एक बार जरूर देखा होगा। तो आइए जानते हैं इन सपनों को देखने से व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला, सपने में सांप देखना। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर व्यक्ति सपने में सांप देखता है तो इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति जल्दी ही निकट भविष्य में समस्याओं से घिरने वाला है। लेकिन अगर व्यक्ति को सपने में सांप डसता है तो यह इस बात की ओर संकेत देती है कि व्यक्ति को जल्दी ही गंभीर रोग होने वाला है या किसी प्रकार का संकट आने वाला है। इसी प्रकार अगर एक पति पत्नी अपने सपने में संभोग करते हैं तो इसका अर्थ यह बताया गया है कि पति पत्नी का जीवन काफी अच्छा चल रहा है। तीसरा, अगर व्यक्ति सपने में ईश्वर को देखता है तो इसका अर्थ यह है कि ईश्वर व्यक्ति को भक्ति की राह पर चलने का संकेत दे रहे हैं। क्योंकि आज की भौतिकता की चकाचौंध में व्यक्ति ईश्वर का स्मरण करना भूल ही जाता है और गलत राह पर चलने लगता है। ठीक इसी प्रकार अगर व्यक्ति सपने में ऊंचाई से गिरता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह अच्छा नहीं माना जाता। इससे व्यक्ति को निकट भविष्य में हानि का सामना करना पड़ सकता है। आखिरी में, अगर व्यक्ति सपने में मृत्यु देखता है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह व्यक्ति को दुख या पश्चाताप की भावना को व्यक्त करता है। तो मित्रों, अब दीजिए हमें इजाजत। आशा करता हूँ कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप इन सभी सपनों के विशेष महत्व को समझ गए होंगे।